उठ जाओ टुन टुन। गाइस देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश होने वाली है। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे सेसी व्लॉग। तो किचन में आ गई हूँ मैं सुबह सुबह। सबसे पहले मैंने पिया एक ग्लास भर के पानी, उसके बाद मायरा का टिफ़िन पैक करा, मैंने रखे मफ़िन, चॉकलेट मफ़िन। और ये सारी वीडियो ना मेरी, मुझे पता ही नहीं चला टाइम लैप्स में बन गए, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि फिर फास्ट फॉरवर्ड में मुझे इसको एडिट करना पड़ा, तो सारी जो मेरी वॉइस थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी टाइम लैप्स की वजह से। तो मैंने एक कंटेनर में चॉकलेट मफ़िन रखे, फ्राइड राइस बनाए थे वो रखे, और इस तरह से स्पून एंड एक फोक रखा, और इसका लंच बॉक्स एक रेडी हो गया। इसको दो लंच देती हूँ, एक इसका प्रेयर के बाद खाती है स्नैक, जिसमें मैंने रखे रोस्टेड मखाने जो कि बहुत ही हेल्दी स्नैक है, लाइट है और मायरा के बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उसके बाद मैं रूम में आई, मायरा को उसका लंच बॉक्स दिखाती हूँ रोज़, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई अपना लंच देख के। उसके बाद दीपू और मैं लग गए अपनी ड्यूटी पर। दीपू मायरा के लेग्स में लगा रहे हैं ओडोमॉस, हाथ में भी लगाते हैं अच्छे से ताकि मॉस्किटो बाइट ना करे, और मैं यहाँ मायरा को रेडी कर रही हूँ। सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा हरी वाला होता है, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है। फिर ये शूज़ दीपू ही डालते हैं मायरा को रोज़, और मैं इतनी देर में मायरा का हेयर स्टाइल बना देती हूँ। मायरा को सनस्क्रीन ज़रूर लगा के भेजती हूँ स्कूल में, बिकॉज़ अभी तो बहुत ही ज़्यादा सनी डेज़ चल रहे हैं, और समर्स में तो घर में हो बाहर जाओ सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ। उसके बाद मैंने लगाया हमेशा की तरह मायरा को एक परफ्यूम, बॉडी परफ्यूम मैं हमेशा लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बच्चों के पास से या बड़ों के पास से हमेशा से एक प्यारी सी फ्रेग्रेंस आए, जिससे वो रिफ़्रेश फील करें और जो उनसे मिले उसको भी अच्छा फील हो। और जी मायरा निकल जाती है रेडी होके बाहर दादी से मिलने, और तब तक मैंने उसका जल्दी से टिफ़िन बॉक्स वगैरह रख दिया, पानी की बॉटल, बस यही दो चीज़ें लेके जानी होती है मायरा को स्कूल। और उसके बाद हम लोग निकल गए स्कूल के लिए। और ये देखिए आज बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन बारिश नहीं हुई, उल्टा ऊपर से और ज़्यादा गंदी गर्मी हो गई थी। एक चिड़िया और ये भी देखो रोज सुबह का, अभी से इतना नहीं है चिड़िया। आगे तो बहुत बुरा हाल है। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे सेसी व्लॉग्स। फाइनली आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आज मैंने टाइम निकालकर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है। मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था अपने लिए टाइम निकालने का थोड़ा सा, बट फाइनली मैंने आज अपने लिए टाइम निकाला है, और मैंने अपने लिए करा है स्पा बुक, कल रात को ही कर दिया था, और थोड़ी देर में मेरी प्रोफेशनल आने ही वाली है। मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करूँ फिर मैं बिजी ना हो जाऊँ, तो जस्ट अभी मायरा को छोड़कर आए, स्कूल से चाय पी है और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी अपने लिए स्पा बुक करने का, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, टाइम ही नहीं मिल पाता अपने लिए। सुबह उठो जल्दी, मायरा के लंच की तैयारी करो, छोड़कर आओ, घर पर आओ, फटाफट से बेडशीट सही करो, क्योंकि अभी तमन्ना भी नहीं आ रही है, मशीन लगानी तो मशीन लगाओ, फिर मायरा स्कूल आ जाती है, रोटी ये वो होमवर्क करवाना, स्कूल का देखना, ट्यूशन का देखना, फिर ट्यूशन लेके जाना, फिर स्विमिंग क्लास लेके जाना, तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, इतना ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था। मैं बहुत टाइम से रिव्यू देख रही थी इस बॉडी स्पा के कि काफ़ी रिलैक्सेशन होता है, तो मैं अपने लिए बुक करना बहुत टाइम से जा रही थी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। थोड़ी देर में बस मेरी प्रोफेशनल आ जाएगी, और ये मेरा फर्स्ट एवर स्पा का एक्सपीरियंस रहेगा, तो ओवरऑल जो भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। अगर आप में से कोई करवाना चाहे या सोच रहे हो तो आप लोगों के लिए हेल्प भी हो जाएगी। तो मुझे पता नहीं है मैं कितना क्या शूट कर पाऊंगी, बस अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आगे पता नहीं मुझे कितना टाइम मिलेगा व्लॉग करने का, बिकॉज आज का टाइम ना मैं पर्सनली अपने आप को देना चाहती हूँ, चाहे मैं व्लॉग थोड़ा कम करूँ, बट हाँ मैं आज अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड में फील करना चाहती हूँ, कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँ। तो बस फटाफट से बेडशीट वगैरह सही कर लेती हूँ, इतनी देर में मेरी प्रोफेशनल आ जाएंगे, फिर करवाते हैं हम अपना स्पा। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कैसे होता है क्या होता है और कैसा फील करूँगी, आप लोगों के साथ पूरा सब रिव्यू शेयर करूँगी। सो यहाँ पे मेरी प्रोफेशनल आ गई, और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुई कि ये इतना बड़ा सा क्या लेकर आ रहे हैं, मतलब स्पा के लिए। तो फिर जब इन्होंने ओपन करा तो इसमें था एक बेड जो कि ये खुद अपने साथ लेकर आए थे, और इन्होंने अच्छे से बेड को ओपन करके पूरा पहले अच्छे से सैनिटाइज़ करा। तो यहाँ पे मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने हाइजीन का पूरा पूरा ध्यान रखा। उसके बाद इस पर इन्होंने एक डिस्पोजेबल बेडशीट बिछाई, और उसके बाद इन्होंने सारा सेटअप करा अपने स्पा का, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी सर्विस के लिए। और फिर बस इन्होंने मुझसे दो तीन क्वेश्चन करे मेरी मेडिकेशन से रिलेटेड, कि आपको कोई पेन तो नहीं है, या कोई एरिया फोकस करना है, या कोई एरिया है जो इग्नोर करना है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो, और फिर इन्होंने अपनी सर्विस स्टार्ट कर दी।
के तो गाइज मैं नहा ली हूँ स्पा के बाद और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहा मेरे फर्स्ट एवर स्पा के साथ। जितना मैं मतलब सोच के मैंने करा था ना कि हाँ मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रही हूँ, सीरियसली ज्यादा पेन रिलीफ फील कर रही हूँ, काम फील कर रही हूँ। और जो मेरी प्रोफेशनल है उन्होंने भी मुझे बताया कि मेरे यहाँ पे शोल्डर पे, जिसकी वजह से मुझे लगातार सर्वाइकल का पेन रहता है क्योंकि मेरे को यहाँ पे शोल्डर पे बहुत सारे नोट्स हैं, मेरे लेग्स में काफ पे नोट्स हैं जो कि धीरे धीरे जाएंगे, एक सिटिंग से नहीं जाएंगे। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि एक दो सिटिंग आप जल्दी जल्दी मतलब गैप मत करना क्योंकि नोट्स काफी ज्यादा स्मूथ हो गए हैं, मेल्ट हुए हैं, तो वो दोबारा से हार्ड ना हो जाए, तो जल्दी जल्दी आप एक दो सिटिंग्स और ले लेना और आपको उससे और ज्यादा फर्क पड़ेगा पेन में। तो गाइज मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा, मुझे उनकी सर्विस से लेके उनकी तैयारी और वो सब कुछ अपने आप लेकर आए थे, कुछ आपको देने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने आराम से स्ट्रेस फ्री होकर लेट जाना है एंड आपका स्पा बहुत ही अच्छे से घर पर ही आप करवा सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर आपको भी पेन है, स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो एक घंटे का टाइम निकाल के आप भी डेफिनेटली अपने लिए स्पा बुक कर सकते हो। और अगर आप स्पा बुक करते हो मेरी रिकमेंडेशन पर तो आप स्क्रीन पर दिया मेरा कूपन कोड FIZZA300 यूज करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आपको आपकी फर्स्ट बुकिंग पे 300 का ऑफ मिलेगा। और हाँ एक चीज और, जैसे कि मेरे को मेरी प्रोफेशनल बोल रही थी आप थोड़ी देर सो जाओ, एक घंटा डेढ़ घंटा आपकी बॉडी पे ऑयल लगा रहेगा तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, जो कि मेरे को हो भी रहा था, मुझे उस टाइम पे भी नींद आ रही थी जब वो मेरी मसाज कर रहे थे, बट मुझे रेडी होके मायरा को लेने निकलना था तो मैं सो भी नहीं पाई, सिर्फ आधे घंटा ही मैं रुक पाई और मैं सो नहीं पाई। तो इसलिए तो आप थोड़ा सा इस टाइमिंग के हिसाब से करना कि आप स्पा के बाद थोड़ी देर सो पाओ ताकि आपकी बॉडी और ज्यादा रिलैक्स फील करे, क्योंकि नेचुरली आपकी बॉडी एक नैप मांगती है। तो बस फटाफट से मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और मेरे बम्प्स भी काफी ज्यादा कम हो गए, स्कार नहीं बम्प, सिर्फ एक ये वाला है, ये भी ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी से रेडी हो, स्कूल से लेकर आ गई थी, इसके बाद टाइम ही नहीं मिला, बस दीपू मैंने मायरा ने तीनों ने लंच करा, फिर मायरा यहाँ आती पढ़ाई करने लग गई, इसको होमवर्क कराऊंगी ट्यूशन का, उसके बाद थोड़ी देर सुला दूंगी और यहाँ मेरे अमेजोन के पार्सल भी आ रखे हैं, मैं इनको खोल लूंगी फिर आप लोगों के साथ हॉल शेयर कर दूंगी जब थोड़े से प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, बिकॉज बहुत सारी शॉपिंग करी है मैंने अभी समर से रिलेटेड, तो आपको फॉर श्योर हॉल देखने को मिलेगा किसी भी ब्लॉग में। तो अभी फटाफट से इसको होमवर्क करा देती हूँ। हाँ जी आते इसको ये बोर्ड और ये पेन चाहिए लिखने के लिए, क्या लिख रहे हो, अच्छा दिखा दो सबको क्या लिख रहे हो दिखा दो। और आज तो बहुत ही ज्यादा ड्रामा हुआ मायरा को स्कूल में, एक बंदे से तो लड़ाई भी होगी, मतलब वो पीछे बैग ले रहा है, वो देख रहा है कि मायरा मेरे साथ खड़ी है और मतलब पैक करे जा रहे पीछे देख ही नहीं रहा, तो दीपू ने दूर से देख लिया ये सब, और दीपू उतर कर आए, दीपू ने बोला आपको दिखता नहीं है कि बच्चा खड़ा है, पैक करे जा रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा। आज तो दीपू सच में चढ़ गए, दीपू कह रहे यार बहुत ही मतलब मुश्किल है ये छुट्टी टाइम और सुबह का टाइम, हर स्कूल का यही हाल है। हाँ जी किया ही नहीं है कनिका मैम ने, बस इंग्लिश का ही होमवर्क है, जल्दी कर लो, बस मैथ्स का ही होमवर्क है, A to Z है और ड्रॉ करना है। सही से नहीं बैठोगे बेटे, की साउंड एक्स के साउंड। मैं इतनी देर से शूट नहीं करा, मायरा को बस ट्यूशन लेके चली गई थी एक्स खिला के, और अब ट्यूशन ऑफ हुआ, क्लास के बाद देखो हाथ पकड़ कर ले आई है पार्क में, अभी कोई भी बच्चा नहीं है पार्क में, देख लो आप, पहले घर चले, मम्मी नहीं ना पहनी उससे फिर हो नहीं पा रहा सही से, देखो अभी कोई भी नहीं आया पार्क में, हाथ नहीं छोड़ो, स्कूल से निकाल के लाई है उसको पार्क से, और आज इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है मुझसे रुका ही नहीं जा रहा था। क्या लग रहा है आपको, गर्मी लग रहा है, अभी तो पार्क में तो गर्मी नहीं लग रही थी आपको, आपने जोराज भाई को हैप्पी बर्थडे बोला आज, आज जोराज भाई का 5 मंथ का बर्थडे, हमारा को दिया है वाटरमेलन जूस एंड हाउ वॉज इट, अमेजिंग नाइस, क्योंकि मायरा ऐसे वाटरमेलन खाने में परेशान करती है तो मैं उसको जूस निकाल के देती हूँ, अभी देखना मायरा और मैं कैसे फिनिश करेंगे, मैं यहाँ फिंगर रखूँगी एंड आइस क्लोज करूँगी और देखना फिर, मायरा मैंने आइस क्लोज कर ली, कम ऑन ओपन करूँ मायरा,
मुझे ना बहुत देर से बहुत तेज भूख लग रही है और मैं इग्नोर करे जा रही हूँ, कभी पानी पी रही हूँ। तो फाइनली मैंने जाके ना किचन में बहुत सारी सब्जियाँ काट ली हैं, थोड़े से राइस पड़े थे सुबह, मायरक ने फ्राइड राइस बनाया था, तब से मन था मेरा खाने, बट मैं मायरक ने से ज़्यादा सब्जियाँ डाल नहीं पाई क्योंकि वो खाती नहीं कैरेट अनियन के अलावा कुछ भी। तो मैंने सारी सब्जियाँ काटी हुई हैं, देखो कैबेज, बीन्स, मटर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, तो मैं बॉयल्ड राइस भी पड़े हैं सुबह के, फटाफट से तड़का लगा के खाती हूँ, स्पाइसी था। नहीं है मैंने ये क्या बनाया, इसमें मैंने चाइनीज़ भी मिक्स कर दिया, इसमें मैंने नॉर्मल तड़का भी लगाने की कोशिश कर दी, सब मिक्स करके ये बना दिया, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शायद मुझे भूख लग रही है इसलिए ये सच में अच्छा बन गया है। मायरा भी इसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही है, तो मैं खिलाऊँ? सुबह तो आपने खाई नहीं फ्राइड राइस, कैसा बना मायरा? जिद करके ये बस यहीं पे खड़े होने के लिए आई है। नहीं लेगी मायरा, नहीं लेगी, नहीं 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 नहीं, नहीं। कुछ नहीं लेना, व्हाइट वाली अंदर से। दादी बहुत पिट्टी करेंगे, एक भी चीज खांसी होती है इससे सबसे खांसी होती है। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जोरू। ये हर बच्चे का नाम है रू क्यों हो जाता है? मायरा का माय रू, जोरू का जोरू, सही में प्यार में होता है ना। देखो बोलो उसको, देखो मारा क्या लाई है ये, तो एक सेकंड सबको दिखा दो। हाँ हाँ पॉप सिखाओ।